आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ट्रेलर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टीजर शुरू होता है एक डायलॉग के साथ, जो डायलॉग हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर्स में देखा था और पिक्चर में भी देखा था, मगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब वोंग जब बोलता है वो एक्चुअल मूवी में नहीं था, वो सिर्फ ट्रेलर में था। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक टूटी हुई घड़ी। ये वही घड़ी है जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखी थी, जो इसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी इसको, और एक्सीडेंट के वक्त ये टूट गई थी घड़ी। देखने को मिलता है जो आई ऑफ अगुमोटो है वो जो पिछले जो मूवी में था वो थोड़ा नीचे पहनता था डॉक्टर स्ट्रेंज, मगर इस मूवी में वो एकदम गले के नीचे ही पहना हुआ है। और एक बात और, जो थेनोस ने आई ऑफ अगुमोटो तोड़ा वो नकली है क्या असली है क्या पता, क्योंकि अगर वो असली होता तो ये अभी इस मूवी में हमें दिखना नहीं मिलता। अगर ये दिख रहा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये मार्वल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, ये किसी और यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है, और दूसरा कि जो थानोस को आयो अगुमोटो दिया था वो नकली था। और एक और बात, जो अगर टाइम स्टोन चला गया है तो ये आयो अगुमोटो क्या सिर्फ फैशन के लिए पहना गया है क्या किसी और चीज़ के लिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आयो अगुमोटो है ये जो मार्वल में दिखाया गया उससे और कॉमिक में, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। मार्वल में सिर्फ ये दिखाया गया है कि ये टाइम स्टोन को स्टोर करने वाला एक डिवाइस है, मगर कॉमिक बुक्स में ये बताया गया है कि इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि अगर सामने आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है क्या उसको धोखा दे सकता है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को आई ऑफ अगुमोटो बता सकता है। तो हाँ, ये मूवी में शायद से हमें ये भी बात बताया जाए कि आई ऑफ अगुमोटो का इस्तेमाल सिर्फ टाइम स्टोन स्टोर करने के लिए नहीं है, इससे हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद तीन फटाफट एक सीन में हमें वोंडा अपने हाथ से मैजिक यूज़ करते हुए दिखती है, दूसरे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड है उसकी किसी से शादी हो रही है, मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज से ही शादी हो रही है, और तीसरे में हमें दिखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क में, आई थिंक न्यूयॉर्क ही है वो, हमें न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए। और इस लड़ में एक कौवा भी दिखता है, और कौवा एक सिग्नल होता है कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, हमें सीन देखने को मिलता है जिसमें एक लड़की एक जैकेट पहनी हुई है और उस जैकेट के पीछे एक स्टार स्टार टाइप का कुछ बना हुआ है। तो ये अमेरिका सेवर्स है, कॉमिक बुक में एक यंग एवेंजर है, और ये मुक्के मार के पोर्टल्स खोलती है मल्टीवर्स के। और इसके आगे वाले सीन में हमें एक आदमी गिरता हुआ दिखता है एक स्टार शेप के लोगों के अंदर, वो प्रोबेबली इसका ही पंच मार के खुला हुआ स्टार पोर्टल होगा। हमें देखने को मिलता है वोंग जिसका पूरा सर से खून आ रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, और उसके सामने कोई आ रहा है और उसकी फटी हुई है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्वल का लोगो, मगर ये मार्वल के लोगो में बहुत सारे मार्वल के लोगो आते रहते हैं, ये जितने भी आज तक मार्वल के लोगो बने हुए हैं वो रिप्रेजेंट करता है, और ये एक तरह से मल्टीवर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत अच्छे से बताया गया है। देखने को मिलती है वोंडा जो एक जंगल में, सॉरी जंगल क्या गार्डन कुछ भी बोल लो, उसके अंदर है और एक पेड़ की ब्रांच काट रही है। ये एक अच्छा सा मैसेज है कि मल्टीवर्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उसको काटने के लिए टीवी होता है, इसके लिए ये बहुत सा एक मैसेज दिया है, हिडन मैसेज दिया हुआ है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिधर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सेवर्स और वोंडा एक दरवाज़ा खोलता है, और इसके बाद वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, सेंटर वेंटर होगा मुझे नहीं पता, कि ये उधर पहुंच जाते हैं। देखने को मिलता है ये आदमी, मेरा इसका नाम भूल चुका हूँ सॉरी, ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में भी दिखा था। मुझे लगता है इस मूवी में ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ही करेगा शायद से, या फिर मुझे एक और चीज़ लगती है, जो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी आई थी उसमें इसका जो लुक था वो डिफरेंट था, और इस मूवी में उसका लुक डिफरेंट है, तो ये भी हो सकता है कि ये वेरिएंट हो उस आदमी का, अभी मैं नाम भूल चुका हूँ यार, नाम लिख दूंगा स्क्रीन पे, पढ़ लेना। जो आगे का सीन, एक डॉक्टर स्ट्रेंज का हार्ट बंधे हुए है और ये बंदा उसको मार रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कमल ताज, स्ट्रेंज की पहली मूवी में देखा था और वापस अब देख रहे हैं, और इसके ऊपर काले वाले बादल छाए हुए, वापस ये रिप्रेजेंट करता है कुछ बुरा, बहुत ही बुरा होने वाला है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये पूरे ट्रेलर में वही हमें बार बार कौवा दिखा के, ये बादल दिखा के, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के यही बता रहे हैं कि बहुत ही बुरा होने वाला है कुछ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है वोंडा जो एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है, उसने अपना पूरा स्कारलेट विच वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं आगे बताता हूँ मुझे क्या लगता है, ये मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर वो हमने अमेरिका सर्विस को देखा पहली बार, वही जगह मुझे लग रही है कि यही है।
ये इसके बाद हमें एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। पहले जो मैंने वीडियो डाला था स्पाइडरमैन के ऊपर, उसमें भी मैंने ये बात बोली हुई है कि इसमें हमें एक से ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं। एक तो ये इवल वर्जन जो हमें अभी दिख रहा है, और दूसरा ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अभी जो फोकस हुआ, अभी जो फोटो देख रहे हो आप लोग, उस डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर आप आँखें देखोगे, एक आँख ब्लू है और एक आँख नॉर्मल है, किसी और जगह का डॉक्टर स्ट्रेंज है। हमें इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक से ज़्यादा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट देखने वाले हैं। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का भी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाएगी। और एक और बात, लास्ट बात, और ये वीडियो हम एंड करेंगे, मूवी का जो मेन विलन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का इविल वर्जन है, या डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है, या फिर वोंडा है, क्योंकि उसके लुक से ऐसा लग रहा है कि वो विलन भी हो सकती है। तो इसका हम प्रॉपर बात करेंगे एक अलग से वीडियो में, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इस चैनल पे चैलेंज शुरू किया है 21 दिन में 21 वीडियो, मतलब 21 डेज 21 वीडियोस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगी और डिसलाइक करके जरूर जाना। और मुझे कमेंट में बताना कि अब मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मेरे से क्या क्या इस वीडियो में छूट गया, तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा डॉक्टर स्ट्रेंज की, उसमें मैं पूरी तरह से वो भी कवर कर सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, फॉलो योर ड्रीम्स, पीस आउट।